व्हाट इज अप किल फैमिली, सभी लोगों का भाई दिल से स्वागत है पीआर किल चैनल में। एंड गाइस, आज हम भाई शुरू करने वाले हैं एक न्यू गेम सीरीज। पता नहीं ये गेम सीरीज बहुत लंबी होने वाली है। मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से ये गेम बनाया गया है, जैसे आप स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हो, लिम्बो। मैंने इसके पहले लिटिल नाइटमेयर्स और इनसाइड गेम पूरा का पूरा ख़त्म किया है, और मैं लिम्बो के पीछे था। बीच में 2020 के मार्च से लेकर जुलाई के बीच में मुझे लिम्बो मिल ही नहीं रहा था, पर 2021 में मुझे फाइनली पता नहीं कहाँ से और कौन सी तो भी वेबसाइट पे मुझे लिम्बो मिल गया और मैंने डाउनलोड करके आज हम खेलने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, लिम्बो एक पजल सॉल्विंग हॉरर गेम है जो 2010 में रिलीज़ हुआ था, मतलब 2010 में रिलीज़ हुआ था। तो मतलब ये गेम भाई एक हॉरर गेम है, एक बच्चे की गेम है, जो आई थिंक एक बच्चा जो डिप्रेस्ड है या एक अजीब सा बच्चा जिसको कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है, एक लोनली बच्चा मतलब है उसका भाई, वो अकेला ही रहता है और उसको हमें पजल सॉल्व करके उसको कहीं तो भी पहुंचाने का है। तो मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, मैं उसका बड़ा भाई पीआर किल उसकी मदद करूँगा और हम उसको जहाँ भी जाना है उसको मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। सो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है भाई पीआर किल चैनल में। शुरू करते हैं आज से एक न्यू गेम सीरीज जिसका नाम है लिम्बो। लेट्स गो। इसकी एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि इस पे ना माउस का कोई गरज ही नहीं है, सिर्फ चार बटन से ही पूरा गेम है, पूरा ठीक है, अच्छी बात है। लिम्बो उठ जा भाई, हमें जाना है भाई। इसके आंखें ना सिर्फ आंखें चमकते हैं और बाकी का पूरा गेम ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब इंटरेस्टिंग गेम है। लेट्स गो। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है इस गेम में, क्योंकि इनसाइड की स्टार्टिंग और लिटिल नाइटमेयर्स की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम जैसी होती है, पर इनसाइड की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होती है और क्या है इस गेम का मैटर। ओ भाई, नाइस, बिल्कुल इनसाइड की फीलिंग आ रही यार, बिल्कुल इनसाइड की फीलिंग आ रही। और इस गेम में पता नहीं मुझे क्या करने का है, क्यों करने का है, पर एक मिनट भाई, मुझे इसको पकड़ने का कैसा है। आई थिंक मुझे इसको पकड़ने का है ऐसा। भाई मेरे पकड़ ले, एक मिनट। आई थिंक मुझे ये पकड़ के खींचने का है, एक मिनट। पर मैं खींचूंगा कैसे, पर मैं खींचूंगा कैसे भाई, सेटिंग्स बताओ जरा। कंट्रोल से एक्शन मूव्स, अरे ठीक है भाई, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार, लिटरली यार, कंट्रोल से पकड़ने का है, ठीक है। और हाँ, चढ़ने का था मुझे, स्पेस बार से कुछ कर नहीं सकता मैं वैसे। अब ये गेम भाई इतना आसान हो सकता है, पता नहीं, आगे के स्टेप्स मैंने देखे नहीं है, पर मैंने जिस गेमर ने इनसाइड कंप्लीट किया, लिटिल नाइटमेयर्स कंप्लीट किया है, उसके लिए भाई ये बच्चा है गेम में, मतलब इस गेम में मैं सच बताऊं भाई, बिल्कुल एक साउंड तक नहीं है, एकदम डिप्रेस्ड। एक कैसे डिप्रेशन वाला इंसान कैसे होता है, जो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है, वैसा गेम है बिल्कुल। हॉरर का तो पता नहीं क्या होने वाला है। और इस गेम्स के कोई ग्राफिक्स का भी कोई सेटिंग नहीं है, एक डिफॉल्ट सेटिंग पे ही ये गेम चल रहा है अपने आप। पर इस गेम का मैं सोच रहा हूँ अपने अंदर कि इस गेम का मीनिंग क्या होगा, मतलब ये जो भी डेवलपर ने गेम बनाया है क्या सोच कर ये गेम बनाया होगा, कि एक बच्चा जिसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है एक ऐसी दुनिया में है, एक अपनी ही ऐसी दुनिया में है जहाँ पर वो लोगों से ना मिलता है ना कुछ, सिर्फ अकेला ही ट्रैवल कर रहा है भाई। अब क्या समझूँ मैं। अच्छा, तो मुझे यहाँ से इसको पकड़ने का होगा।
मुझे पता था ब्रो, लिंबू तू टेंशन मत ले, मैंने इतने गेम्स खेल लिए अभी तक कि मुझे सब कुछ आ रहा है अभी। बाला गई है। भाई कुछ ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। अब आई थिंक कुछ शुरू होना चाहिए। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पजल्स चालू है। और मतलब ये देखो भाई, ट्रैप लगा है यहाँ पे, मुझे कूदना पड़ेगा 100%। यहाँ पे ट्रैप लगा है, मुझे दिख गया था भाई, वो कट गया हमें। पर एक मिनट रुको, आई थिंक मुझे इसको ऐसा करके, एक मिनट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब ये ट्रैप से मैं बचूँ कैसे? मैं लॉन्ग जंप नहीं मार सकता। अरे आई थिंक मैं ट्रैप खोल सकता हूँ क्या? मुझे ये भी नहीं पता। क्या पता इविल विदिन की तरह ट्रैप भी खोल सकते हैं, मुझे पता नहीं वो कन्फर्मली, पर देखते हैं भाई, कुछ हो सकता है आई थिंक। देखो मैंने बोला था भाई, प्रथमेश तो दिमाग लगाया कर यार। कंट्रोल की बटन दी गई है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही ना। पीछे ना झरने की आवाज आ रही है, और कौन सी तो भी चिड़िया चिल्ला रही है। और भाई ये क्या लटका पड़ा है मेरे को नहीं पता। मेरे को दिखा ही नहीं भाई, मुझे दिखता ही नहीं है चीजें। मेरे को एक ही बात का प्रॉब्लम है कि इस गेम में आवाज क्यों नहीं है। इस गेम में आवाज नहीं है भाई बिल्कुल भी। नहीं, आई थिंक ये क्या हो गया मेरे को नहीं पता। पहुंच गया भाई मैं, लो लेट्स गो। लिंबो तू भाई इतना अकेला क्यों है? हाँ तेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या मेरी तरह? फ्रेंड्स के रास, मतलब इतना छोटा सा बच्चा है भाई, तू फ्रेंड्स के साथ खेला कर। लोनली हो गया बेचारे, उसको कोई खिलाता नहीं होगा। इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया, मेरे को खुद को नहीं दिखा यार। इतने बड़े बड़े पत्थर मत भेजो यार, वो छोटे बच्चे की, वो उसको चेहरा तो देखो भाई, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा मुझे, बस उसके आंखें दिख रही है काले काले से। बालक पत्थर, अब तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। मैं लकड़े को खींच नहीं सकता। हाँ मैं चढ़ सकता हूँ। मतलब वो नहीं होते, वो स्कूल में वो बच्चे होते भाई जिनको कोई खेलने नहीं देता, आइसोलेट कर डालता है, वैसा ये गेम है। तुम पानी पे तैरेगा ना? पानी पे तैरेगा? नहीं, मैं तो मर गया, पानी में मर गया। रुको, मुझे क्या करने का था? बॉक्स को आई थिंक पुश करके मुझे उसके ऊपर चढ़ जाने का है। हाँ क्या ढकोसला बॉक्स है भाई, मैं तो डूबी जा रहा हूँ। मुझे क्या उसको बॉक्स को पूरा आगे कैसे लेके जाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बीच में तो पानी आ रहा ना, तो पानी के ऊपर तो बॉक्स तैरना चाहिए, इतना तो कंफर्म है। बस इसके ना आई थिंक एंड, हाँ आई थिंक एंड पे जाकर मुझे ये करने का है। नहीं लिंबू भाई, तो स्विमिंग नहीं सीखा गया, तेरे को स्विमिंग आनी चाहिए भाई। ये तो हो ही नहीं सकता भाई,
ये मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, एक मिनट, वो बॉक्स ऊपर आता है क्या पानी में? वो कंफर्मली पता ही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉक्स को अगर थोड़ा सा भी उसके स्लाइड पे ढकल दिया तो मैं खुद ही डूब जा रहा हूँ। तो कुछ तो हो सकता है ना, कुछ तो होगा ही। One hour later. एक मिनट, मेरे दिमाग में और एक प्लान आया कि भाई मैं डब्बे को पीछे से लेकर जाऊँ क्या? कुछ भी हो सकता है भाई, गेम है। अगर मैं डब्बे को ही निकाल दूँ तो फिर तैर पाएगा तू? नहीं, कोई सेंस नहीं बनाती मेरी बातें, पर फिर भी कोशिश करने में भाई, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। यहाँ पर आ गया, अब तो ऊपर चढ़ इसके, यहाँ जा जाना डब्बे, डब्बा भी ढकोसला है भाई, फालतू का ड्रामा दिखा रहा है मेरे आगे। नहीं, मर गया भाई, 8 से 9 बार ट्राई हो गया यार, ये निकल ही नहीं रहा उस डब्बे से, मतलब कैसे करूँ मैं? देखो पानी का लेवल ऐसा है, एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर तक डब्बा रहता है, स्लाइड के नीचे डब्बा पानी में चला जाता है, इतना तो कन्फर्म है, फिर उसके ऊपर से दूसरी जगह में कैसे उस डब्बे को लेके जाऊँ वो सोच रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये तैर नहीं सकता भाई, ये छोटा सा गड्ढा नहीं पार कर सकता, ये क्या गेम पार करेगा, मेरे को इसकी मदद करनी पड़ेगी भाई। नहीं, तो ऐसे करेगा तो कैसा होगा? अरे डब्बा देख भाई, इस साइड जो पानी आ रहा है, ऊपर की मक्खियाँ भी मदद नहीं कर रही, आवाज़ करी फालतू का। वो देख, मैंने बोला नहीं यार, ये गलत हो रहा है इसके साथ। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, झाड़ काटे छोटे से, ये झाड़ ले, लकड़ी बिकड़ी ले भाई, बोर्ड बनाओ और इतना सा चले जा, मैं तो ऐसे ही करता। एक डब्बे के सारे क्या क्या कर भाई, डूब गया डब्बा, डब्बा डूब जाता, फिर ये डूब जाता। अबे बालों को बचाओ, डब्बे को बचाओ, मैं इतना सा पार नहीं कर सक रहा यार सही में। मुझे ना इसीलिए मैं पजल सॉल्विंग गेम्स नहीं खेलता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता थोड़ी देर बाद। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है, फिर उसके बाद जो पजल्स आते हैं भाई, देखो 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 डब्बा देख, तू इस साइड मत तैर रहे भाई, तू इतना ज़्यादा पीरो है क्या तू? इसके जैसे बच्चे भाई, छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग पूल में डुबकी लगा देते भाई। वो देखो देख, तू सीधा काम कर भाई, तू सीधा चल पहले। ओके जुगिल फैमिली, आज का एपिसोड में, आज के वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा। पता नहीं भाई, ये छोटा सा बालक है ना, इसके मैं 2 चाटे वगैरह मार दूंगा, ये बालक चल ही नहीं पा रहा भाई। वो एक तो देखो भाई, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। एक छोटा सा गड्ढा है पानी का और उसके ऊपर बॉक्स लेकर जाने का है, तो बॉक्स के सहारे हमें वो गड्ढा ट्राई मतलब पार करने का है। तो जब भी मैं बॉक्स उस पानी के ऊपर लेके जाता हूँ तो बॉक्स तैरना चाहिए, सही बात है। तो जब मैं बॉक्स लेकर जाता हूँ तो बॉक्स तैरता नहीं है, बॉक्स डूब जाता है। और बॉक्स के ऊपर ही लिम्बो को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर बॉक्स को मैंने हटा दिया पानी से तो ये छोटा सा बालक बच्चा भाई इतना सा मतलब तैर भी नहीं सकता। पहली बात, तैरने का छोड़ो भाई, छोटी सी जंप नहीं मार सक रहा है ये। तो मुझे क्या करने का है, एक जो एक छोटा सा गड्ढा है पानी का, उसके ऊपर से बॉक्स लेकर जाकर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉक्स को लेकर उसके ऊपर लिम्बो को बिठा कर फिर जाके पार करा। सर बॉक्स पानी में डाला तो बॉक्स डूब जाता, लिम्बो को डाला तो लिम्बो डूब जाता। अब मतलब करूँ क्या भाई, इतना जिंदगी में स्ट्रगल है इसके, तो मैं करूँ क्या, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं आगे के एपिसोड में बाकी के पजल सॉल्व करने वाला हूँ, और अगर आपको वो देखने गए तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।